The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap dosto? Main hu Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, aaj ka hamara topic hai aapke dil se mutallik. I hope I am using the right word. I don't know so much of Urdu. But then, ye dil se related hai, ye cholesterol se related hai, ye lipid se related hai. और यहाँ हम बात करेंगे आपके दिल को सुरक्षित रखने की, और इसमें कोलेस्ट्रॉल का भी रोल आता है. ऑल्दो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाने भर से, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाने भर से आपको कोई दिल का दौरा नहीं आने वाला, दिल में अटैक नहीं आने वाला, लेकिन कोलेस्ट्रॉल हाई रहने से आपके चांसेस ज़रूर बढ़ जाते हैं, एक रिस्क फैक्टर ज़रूर बढ़ जाता है. ये बात याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल की खुद से गलती नहीं है, गलती होती है आपकी, आपके लाइफस्टाइल की. जहां आपके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम होता है, जब आपको हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, इनएक्टिविटी, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सारे रिस्क फैक्टर मायने रखते हैं. आपकी पूरी लाइफस्टाइल देखी जाती है, आपकी जीन्स मायने रखती है, जेनेटिक्स देखे जाते हैं, सारे फैक्टरों को इकट्ठा करके तब बात आती है कि हाँ भाई, हाँ इस इंसान का, फलाना डम इंसान का जो रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा है. और इसके बेसिस पे फिर आपको एडवाइस दी जाती है कि आप ये दवाई खाएं, आप ये डाइट फॉलो करें, आप इस तरीके के न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, फिजियोथेरेपी करें, चलें, एक्सरसाइज करें, फलाना ढमकाना ठमकाना. तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ इसमें से कोलेस्ट्रॉल के लिए काम करती है, ये हम आज देखेंगे. कोलेस्ट्रॉल, वॉट इज कोलेस्ट्रॉल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल है क्या. कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये अलग चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल और फैट ये अलग चीज़ होती है. कोलेस्ट्रॉल और बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज नीडेड, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाता है हॉर्मोन्स, सो वो बहुत ज़रूरी है. ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, लाइपोप्रोटीन्स होते हैं. दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल आपको याद रखने हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल. बैड इज LDL, जिसके बारे में हमने डिटेल में अपने वीडियोस में बताया है, वो कम से कम रखना है 100 से नीचे, और कोई हार्ट की बीमारी है तो 70 के नीचे. गुड इज HDL, जो 50 के आसपास या 50 के ऊपर होना चाहिए. वेरी सिंपल, तो इस ये बेसिक हो गया. अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तो अगर हार्ट बेसिक समझ, अगर ब्लड प्रेशर से खून की नसों में अंदर से क्रैक आएगा तो उस पर कोलेस्ट्रॉल जमा होगा हीलिंग के लिए, और अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्रैक है, ज़्यादा हीलिंग, ज़्यादा जमा है, वो बंद होती जाएगी. दैट इज द बेसिक थिंग हियर विच इज हैपनिंग समटाइम्स, मेनी टाइम्स. सेम थिंग, इन्फ्लामेशन होगा अंदर तो भी यही चीज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, प्रॉब्लम होती है. सो कोलेस्ट्रॉल कम करना इसका इलाज एक पार्ट है, कोलेस्ट्रॉल को लोअर साइड रखना, ना कि एकदम जीरो कर देना, बिकॉज सम नीड इज देयर. सो जीरो नहीं करना है, दैट इज देयर. उसमें जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसका ज़्यादा रोल नहीं है, LDL HDL का ज़्यादा रोल है. ट्राइग्लिसराइड्स को और कोलेस्ट्रॉल को भी हमें फिर ऐसा है कि नॉर्मल रेंज के अंदर रहें तो ज़्यादा बेहतर है. थोड़ा बहुत हाई है तो इतना दवाई नहीं दी जाती है, कंट्रोल डाइट और एक्सरसाइज से ही किया जाता है कोशिश. सो कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या ट्रीटमेंट है? सबसे पहले ऑब्वियसली एक है हार्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल, दूसरा है दवा. और लाइफस्टाइल्स में क्या आएगा? हेल्दी ईटिंग, खाना पीना हेल्दी होना चाहिए, वजन आपको मेंटेन करना है, ज़्यादा है तो कम करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, बस सिंपल. सही मात्रा में सही खाना खाइए, सलाद वलाद खाइए, वजन कम करिए, वजन मेंटेन करिए, और वेट मैनेजमेंट बोल दीजिए, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी. ये सब दिनों का खेल नहीं है कि आज कर लूँगा तो कल से कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा जिंदगी भर, नहीं, करते रहोगे तो सही रहोगे, बेसिक है. डाइट से कैसे हम कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं? हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल में एक डाइट प्लान फॉलो करें जिसका नाम है डैश डाइट. डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश ईटिंग प्लान इज वन एग्जांपल ऑफ अ गुड डाइट. ऐसे बहुत सारी डाइट है जो आप फॉलो कर सकते हो, इट इज अ गुड डाइट. जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो डैश डाइट वाला वीडियो आप अलग से देख सकते हैं. बाकी थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल भी होती है. थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल का क्या मतलब? जो कोलेस्ट्रॉल ट्रीट करती है, लिटरली ऐसा बोला जाता है, रिसर्च में देखा गया कि एक अच्छी मात्रा में अगर आप सलाद खाते हैं,
जैसे 300 से 500 ग्राम तक सलाद अगर आप रोज खाते हैं अपने अपने वजन अपने अपने नीड के हिसाब से, तो आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड, आपका एलडीएल लेवल्स कम होते जाता है. इट्स एज इफेक्टिव एज अ मेडिसिन, ऐसा बोला जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एल्स डू यू नीड. ऐसा थोड़ी है कि भाई सिर्फ सलाद खा लिया उसके बाद मेयोनीज, उसके बाद तला हुआ. यू हैव टू चेंज योर डाइट. सो वन थिंग इज यू कैन ईट फैट बट हेल्दी फैट. यू कैन ईट फैट बट हेल्दी फैट, उसमें आपको आपका सैचुरेटेड फैट बिल्कुल लिमिट करना पड़ेगा. सैचुरेटेड फैट बहुत ज़रूरी है. घी, बटर, मक्खन, मलाई लिमिट करना होगा, कम रखना होगा. घी, बटर, मक्खन, मलाई आपकी जो टोटल कैलरीज है पूरे दिन की, उससे कहीं भी हो गया, कितना भी ज़्यादा खा लिया, तो 25% से ऊपर इस फैट इससे नहीं जाना चाहिए. याद और याद रखिए, फैट में 2 से 2.5 गुना कैलरीज होती है एज कम्पेयर टू प्रोटीन एंड कार्ब्स. सो इसलिए आपको एक्चुअली देखा जाए तो 10% से कम सैचुरेटेड फैट खाने पड़ेंगे पूरे दिन में, राइट. और अगर आप एक्चुअली चाहें तो 7% से कम कर देंगे तो और अच्छा होगा, थेरेप्यूटिक हो जाएगा. डिपेंडिंग अपॉन कितनी कैलरीज आप यूज़ करते हैं उसके हिसाब से. जैसे अगर आप पर डे सिर्फ 1500 कैलरीज खा रहे हो तो आप सिर्फ 10 ग्राम सैचुरेटेड फैट खा सकते हो, टोटल 50 से 60 ग्राम तक टोटल फैट खा सकते हो. 2000 कैलरी खा रहे हो तो 13 ग्राम सैचुरेटेड फैट और 60 से 75-80 ग्राम तक टोटल फैट खा सकते हो. और 2500 कैलरी टोटल खाते हो तो 17 ग्राम सैचुरेटेड फैट और अराउंड 70 से 100 ग्राम तक आप टोटल फैट खा सकते हो. तो गुड फैट इज़ गुड नीडेड, सैचुरेटेड फैट कम करना होगा. सैचुरेटेड फैट जो है वो आपका एलडीएल बढ़ाता है इसीलिए. और ट्रांस फैट एक बहुत खतरनाक फैट है. एक बार जलाने के बाद दूसरी बार पकाने वाला जो तेल है बाहर के जो चीज़ों में होता है वो बहुत ज़्यादा कम करना होगा. बाहर की चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ बिकॉज ऑफ मेड बाय हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स. अगर उसके बारे में नहीं पता ट्रांस फैट क्या है तो ऑयल्स वाली हमारी सीरीज देख लेना. देन सेकेंड, इंस्टेड ऑफ दीज बैड फैट यू हैव टू ऐड गुड फैट. गुड फैट ऐड कैसे होगा? यू हैव टू ऐड सनफ्लावर कैनोला या ऑलिव ऑयल. कैनोला, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या एक चम्मच घी भी खा सकते हैं. 1 चम्मच घी इज गुड. लीन मीट आप ले सकते हैं अगर मीट खाते हैं. और नट्स खाएंगे, नट्स यानी या पीनट और वो वॉलनट, ये सारे नट जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं कम कम मात्रा में. एक मुट्ठी ज़्यादा से ज़्यादा दिन में, दैट इज द हेल्दी मात्रा. एक मुट्ठी भर के, पीनट भी एक मुट्ठी अलग, ये एक मुट्ठी अलग, दैट्स अदर थिंग. देन यू हैव टू लिमिट फूड जिसमें खुद कोलेस्ट्रॉल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोलेस्ट्रॉल कम कर रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल कम, तो इसलिए आपको फूड जैसे कि एनिमल ओरिजिन से एग, लिवर, एग योक, श्रिम्प या फिर होल मीट का जो 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 उसकी मलाई है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, सो उनको कम करें. तो दूध, मलाई, दूध पियो पर मलाई निकाल के, 2 बारी मलाई निकाल के. श्रिम्प कम, एग योक कम, लिवर ऑर्गन मीट नहीं खाने का. लिवर किडनी खाते ना लोग, जी हाँ खाते. और उसके बाद आपको सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा चाहिए. व्हाट इज सॉल्युबल फाइबर? सॉल्युबल फाइबर प्रिवेंट्स योर डाइजेस्टिव ट्रैप फ्रॉम एब्जॉर्बिंग द कोलेस्ट्रॉल. वेरी वेरी गुड. उसमें क्या आता है भाई? ये तो बढ़िया है कि नहीं? उसमें क्या आता है? होल ग्रेन सीरियल जैसे ओटमील, ब्रान, ब्रान, उसके अलावा फ्रूट्स, एप्पल, बनानास, ऑरेंजेस, पियर्स, प्रूम्स. इसलिए फ्रूट ज़्यादा खाओ. उसके बाद में लेग्यूम्स जैसे किडनी बीन्स हो गए, आपके दालें हो गई, जितनी भी चिक बीन्स होगी, काले चने, ये चने, वो चने, सारे के सारे, ब्लैक आइड पील्स, लीमा बीन्स, वट एवर यू कॉल इट, दालें, सारी दालें ज़्यादा खानी है. और अपने सीरियल्स में जो मल्टीग्रेन वाली सीरियल खाना है, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए बेसिकली, सॉल्युबल फाइबर. इसके अलावा खूब सारे वेजिटेबल्स, ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितना आप बाकी खाना खाते हो उतना ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वेट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, राइट. मिक्स इट अप एंड फ्रूट्स को आप खाने के बाद खाएं, इन बिटवीन द मील्स, दैट इज मोस्ट गुड फॉर यू. सो बिकॉज इस सब में क्या होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में स्टैनॉल्स एंड स्टेरॉल्स होते हैं जो भी बिल्कुल सॉल्युबल फाइबर जैसा काम करता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देता. वेरी गुड. उसके अलावा आपने फिश खा सकते हैं. ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूरी है. ओमेगा 3 आपके शरीर में उतना जाना चाहिए, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो है, जाके देख लीजिएगा. फैटी फिश या फिश आप खा सकते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सॉल्ट कम रखना है, नमक बिल्कुल कम रखना है आपको. नमक ज़्यादा रहेगा अगर, यानी नॉर्मल मात्रा जो नमक की होती है 2300 मिलीग्राम्स होती है एक चम्मच के हिसाब से, अगर उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी. उसके अलावा आपने नमक कम कर लिया. उसके अलावा अल्कोहल लिमिट करना बहुत ज़रूरी है. दारू को आपने लिमिट करना है, वो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है. अल्कोहल एक्ट्स एज एक्स्ट्रा कैलरीज.
जो कि आपका वेट गेन कराएगा। ओवरवेट होंगे तो आपका एलडीएल लेवल वैसे ही बढ़ जाता है, एचडीएल लेवल कम हो जाता है। याद रखिए एचडीएल बढ़ता है एक्सरसाइज से और किसी चीज से नहीं बढ़ता, राइट। और उसके बाद में क्या बचा, मेन के लिए लिमिट आपको पता होना चाहिए। तो अल्कोहल की सेफ लिमिट नहीं पता तो हमारा सेफ लिमिट वाला वीडियो देख लेना, अल्कोहल सेफ लिमिट मेन के लिए एक या टू, वन या टू पेग्स, पेग नहीं पता वन और टू पेग क्या होते हैं वो तुम्हें भाई साहब 60 का पटियाला पैग नहीं होता, वो जाके देख लेना हमारे अल्कोहल सेफ लिमिट वाले वीडियो में। और विमेन अगर लेती हैं तो एक पैग से ज्यादा नहीं, वन ड्रिंक, दैट इज व्हाट इज देयर। सो अल्कोहल कम करना है, सॉल्ट कम करना है, उसके अलावा जो भी चीज बाहर से खाते हो उसका एक बार लेबल जरूर देख लेना, लेबल जरूर देख लेना, उसमें जरूर देख लेना उसमें फैट कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है, फाइबर है कि नहीं है, सोडियम बहुत ज्यादा तो नहीं है, शुगर बहुत ज्यादा तो नहीं है। ये सब करोगे तो ही ठीक रहोगे, दिस इज हाउ यू डू इट, राइट। नाउ राइट इट डाउन, लिख के फॉलो करो, न्यूट्रिशन लेवल देखना है, अल्कोहल लिमिट करना है, सॉल्ट कम करना है, फिश खानी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत सारे खाने हैं, सॉल्युबल फाइबर खाना है, उसमें दालें खानी है, ओटमील, ब्रान, मल्टीग्रेन चीजें खानी है, फ्रूट्स बहुत सारे खाने हैं, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वाला फूड, एग योक, श्रिम्प, होल ग्रेन वीट और ऑर्गन मीट कम करना है, और उसके अलावा अल्टीमेटली अपना एक्सरसाइज करना है। तो इफ यू डू दिस कोलेस्ट्रॉल कम होता जाएगा, एक दो महीने में कोलेस्ट्रॉल चेक कर लेना, दो महीने बाद देख लेना और देखोगे जादू, ठीक है। सो दैट इज देयर, कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करना है, कोलेस्ट्रॉल कम रखोगे तो हार्ट का रिस्क कम रहेगा एंड यू विल बी हेल्दी। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज है, एवरीथिंग शुड बी हेल्दी, देन यू विल बी हेल्दी, ओके। दैट्स जस्ट वन गुड इंग्रेडिएंट। थैंक यू सो मच, होप यू आर शेयरिंग द वीडियोस, इफ यू आर नॉट डू दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन इट एंड लेट मी नो नेक्स्ट वीडियो आप किस में चाहेंगे in the comment section. Thank you so much.